एक बार फिर हम हाजिर हैं टीवी की दुनिया से आपके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर, जो आई है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट से। प्रोड्यूसर राजन शाही ने ले लिया है शो के दो लीड एक्टर्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन और दिखा दिया है उन्हें शो से बाहर का रास्ता। हम बात कर रहे हैं शहजादा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे की, जो शो में अरमान और रूही के रोल में नजर आते हैं। तो इनके फैंस के लिए ये है एक बैड न्यूज़, क्योंकि अब ये दोनों शो में नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि प्रोड्यूसर राजन शाही ने इन्हें टर्मिनेट कर दिया है। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह, जो कि हमें प्रोडक्शन हाउस से जुड़े एक सोर्स के थ्रू पता चली है। जहां तक बात है शहजादा धामी की, तो ऐसा बताया गया है कि उनके टैंटर्म्स और बिहेवियर की वजह से ये स्ट्रिक्ट एक्शन उन पर लिया गया है। कई बार ऐसी कोशिश भी की गई कि सभी चीज़ें ठीक हो जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और उन्हें शो से टर्मिनेट करना पड़ा। वहीं प्रतीक्षा एक न्यू कमर हैं और उन्हें टर्मिनेट इसलिए किया गया है क्योंकि वो अपने कैरेक्टर डिमांड के अकॉर्डिंग उसे जस्टिफाई नहीं कर पा रही थी। तो उम्मीदों पर खरा ना उतरने के कारण प्रतीक्षा को शो से बाहर करने का फैसला किया गया है। वैसे आपको बता दें कि शहजादा और प्रतीक्षा के रिप्लेसमेंट्स की तलाश भी शुरू हो चुकी है और हम जल्द ही आपको इस बारे में यहाँ अपडेट करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल इट सीजन को सब्सक्राइब करके। और हाँ, शहजादा और प्रतीक्षा के टर्मिनेशन पर आपकी क्या राय है, हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो के पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम ही हमें ये अपडेट मिली कि रोहित पुरोहित निभाएंगे अरमान का रोल और गर्विता सदवानी रिप्लेस करेंगी प्रतीक्षा को ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं। और इन दोनों की शूटिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी।